Domestic violence, it's something that takes place across our society and yet it is shrouded in silence. ये पहली बार नहीं है जब घरेलू हिंसा का कोई हाई प्रोफाइल मामला सामने आया हो. A woman was raped in broad daylight. One in three Indian women between the age group 15 and 49 have experienced physical violence. What is it that you believe as a nation we need to do collectively to turn this outrage into deterrence? जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है रोहित का. रोहित जो पहले साल हमारे साथ जो आया था तो वही हेट्रोसिस काइंड ऑफ मेल पर्सन था जो हाँ लड़कियों को छेड़ना तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है. बट इवेंचुअली हमने देखा है कि वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है. ऐसे मुद्दों पर जब वो बात करता है तो वो कहता है कि नहीं, हमको चेंज की तरफ फोकस करना पड़ेगा रादर देन कि हम लोग हर बार ब्लेम करें कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं. आप पेंटिंग का काम करता हूँ, एक्ट करता हूँ.
हर साल की तरह इस साल भी SNDT कॉलेज में हम लोग एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का जो नाम है वो है साचे की दुनिया, साचे में दुनिया। एक लड़का, एक लड़की या फिर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेकर पैदा होने वाला बच्चा हर एक बाइनरीज में फिक्स हो जाता है। जैसे कि मैं लड़का हूँ तो मेरी मूंछ होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, मैंने कमा कर लाना चाहिए, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ की रक्षा करनी चाहिए, चाहे मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैंने घर संभालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, पढ़ना एक हद तक ही चाहिए। हाँ बेटा बोलो। पापा मैं सिलाई क्लास जाऊँ क्या? बेटा सिलाई क्लास जाएगा? ना ना। लड़कियों वाले काम करेगा? ना ना। परिवार की इज्जत डुबाएगा? पापा मैं फुटबॉल क्लासेस जाऊँ क्या? लड़की फुटबॉल क्लास जाएगी, लड़कों वाले काम करेगी, घर वालों की इज्जत डुबाएगी। तो एक साचा है कि मर्दों ने कैसा रहना चाहिए, औरतों ने कैसा रहना चाहिए, ट्रांसजेंडर पर्सन ने कैसा रहना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि ये सारे साचे तोड़ दिए जाएं। एक गौरव सोलंकी नाम के काफी वेल नोन राइटर है जिन्होंने आर्टिकल 15 नाम का एक मूवी भी लिखा है, और उनकी कविता है, मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छिपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है, दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द। अभी तक मर्दों को, पुरुषों को प्रॉब्लम के रूप में देखा गया है। हम ये कोशिश करना चाहते हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मर्द पुरुष इस प्रॉब्लम का हिस्सा ना होके इस सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा हो, और ऐसी सोसाइटी हमारी बने, ऐसा समाज बने कि जहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस बिल्कुल भी ना।